1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान जोमा ने गौर फिक्र के बाद मुसलमानों में ये तहरीक चलाई कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से जंगो जदल करने के बजाय सब्र तहमुल और दूरअंदेशी से काम लिया जाए और पहले कौम के तौर पर मुसलमानों की माशी हालत को सुधारने के लिए अंग्रेज़ी तालीम हासिल की जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने बर्रे सगीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर मुसलमानों को आगाह किया कि अगर उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम में दिलचस्पी ना ली तो हिंदू जो अंग्रेज़ी तालीम के हसूल में गैर मामूली दिलचस्पी ले रहे हैं तरक्की की दौड़ में मुसलमानों से बहुत आगे निकल जाएंगे। इस तहरीक के रूहरमा सर सैयद अहमद ख़ान ने इस मकसद के हसूल के लिए बर्रे सगीर के तूलो अर्ज़ में दौरे करके मुसलमानों में अंग्रेज़ी तालीम हासिल करने का शऊर बेदार किया और इस मकसद के लिए दरसगाहों के क़याम पर भी जोर दिया। आज हम आपको एक ऐसी ही दरसगाह के बारे में बताएंगे जिसने तहरीक पाकिस्तान की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया और इस दरसगाह का नाम है सिंध मदरसा तुल इस्लाम। सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों में अंग्रेज़ी तालीम के हुसूल का शऊर बेदार करने के लिए नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन कायम की और जस्टिस अमीर अली को इसका सेक्रेटरी मुकर्रर किया। जस्टिस अमीर अली ने हसन अली आफंदी से मुलाकात की और उनको नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की एक शाख सिंध में कायम करने का मशवरा दिया। जस्टिस अमीर अली जो कि कलकत्ता से ताल्लुक़ रखते थे और अभी वो जज नहीं थे, वकील थे, वो वकील की हैसियत से आए और उन्होंने भी सर सैयद अहमद ख़ान की तरह से ख़याल ये रखते हुए एक एसोसिएशन कायम की थी जिसका नाम था नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन। नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन का काम यही था कि मुसलमानों में मॉडर्न एजुकेशन को फ़रोग़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने अलीगढ़ के सर सैयद अहमद ख़ान के इदारे की तरह से कोई यूनिवर्सिटी कायम नहीं की थी कलकत्ता में, लेकिन एक एसोसिएशन थी जो मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की भी बात करती थी और उनके साथ साथ उनके सोशल राइट्स की भी बात करती थी। उन्होंने हसन अली आफंदी की मुलाकात के बाद हसन अली आफंदी को कहा आप ब्रांच कायम कीजिए सिंध मोहम्मदन नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की सिंध ब्रांच। मार्च 1882 में मोहम्मदन एसोसिएशन की एक शाख कराची में कायम हो गई और हसन अली आफंदी इसके सदर मुकर्रर हुए। इसी साल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन कराची शाख ने सिंध में एक मदरसे के क़याम का फ़ैसला किया और इसके लिए सिंध मदरसा बोर्ड के नाम से एक इदारा कायम किया। जनाब हसन अली आफंदी इसके सदर जबकि सिंध की मुमताज़ मुसलमान शख्सियात को इसकी मजलिस आमला की रुकनीत दी गई। इस बोर्ड ने इब्तदाई तौर पर बोल्टन मार्केट के करीब एक छोटी सी इमारत किराए पर हासिल की और 1 सितंबर 1885 को सिंध मदरसातुल इस्लाम के नाम से इसका बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इसकी शानदार इफ्तिताही तकरीब का आंखों देखा हाल अंग्रेज़ी अखबार सिंध गज़ेट ने 4 सितंबर 1885 की इशात में कुछ यूँ बयान किया। तकरीब सपहर की थी लेकिन हाजरीन 1 बजे से ही आना शुरू हो गए थे। सपहर तक मुसलमानों का जम्मे गफ़ीर मदरसे की इमारत में जमा हो चुका था। मजमा ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी लोगों को बरामदे में खड़ा होना पड़ा। इस मौके पर स्कूल की इमारत को नहायत खूबसूरती से सजाया गया था और जाबजा सब्ज़ परचम लहरा रहे थे। बहुत से मौज़ज़ीन सिंध के दूर दराज इलाकों से तकरीब में शिरकत के लिए आए थे। तकरीब का आगाज़ हसन अली आफंदी की असरअंगेज़ तकरीर से हुआ। उनकी तकरीर के बाद मिर्ज़ा मोहम्मद जाफ़र बेग और मौलवी ताज मोहम्मद ने अंग्रेज़ी तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। तकारीर के बाद मदरसे की कामयाबी के लिए दुआ की गई, कुरान पाक की तलावत की गई, नमाज असर अदा की गई और असराने के साथ ये खूबसूरत तकरीब अख्तिताम पजीर हुई। इस मदरसे के क़याम से सिंध के मुसलमानों की अपनी एक ऐसी दरसगाह के क़याम की देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई जहाँ वो कुरान मजीद और फ़िक़ा की तालीम के साथ अंग्रेज़ी तालीम भी हासिल कर सकते थे। इब्तदाई तौर पर यह मदरसा जिस इमारत में कायम किया गया था वो एक 2 मंजिला पुरानी इमारत थी जिसे पहले गोदाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एक दिन जब हसन अली आफंदी अपने फर्जंद के हमरा फ्रेयर रोड पर वाक़े काफिला सराय के करीब से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस सराय के मैदान को अपने मदरसे की इमारत के लिए पसंद कर लिया। उस ज़माने में काफिला सराय वीरान पड़ी हुई थी। इस सराय की खूबी ये थी कि ये शहर के वस्त में वाक़ थी। सराय के मैदान को पसंद करने की एक दिलचस्प वजह यह भी थी कि इसके मेन गेट के ऊपर ना जाने कब से और किस वजह से ये पत्थर का एक चांद सितारा नस्ब था जो खुलफाए अब्बासिया का कौमी निशान था। आप देख सकते हैं ये निशान आजकल सिंध मदरसे के मरकज़ी दरवाजे पर नस्ब है। हसन अली आफंदी का ये ख्याल था कि ये सिर्फ इदारा कराची के एक छोटे से एरिया तक, बोल्टन मार्केट या एडजॉइनिंग एरियाज़ तक महदूद नहीं हो, बल्कि जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि वो पूरे इस खित्ते के मुसलमानों के लिए हो, तो उन्होंने इस जगह के लिए जहाँ पर ये सिंध मदरसा कायम है इसके लिए हुकूमत से दरख्वास्त की कि ये जगह हमें दे दी जाए। ये जगह काफिला सराय कहलाती थी। यहाँ काफ़िले आते थे, पूरे एशिया के मुख्तलिफ इलाक़ों से आते थे, क्योंकि कराची अभी एक छोटा शहर था और जो कराची के बाशिंदे थे वो अफ़गानिस्तान से, पर्शिया से आने वाले जो ट्रेडर्स थे उनको अपने उस छोटे से शहर में उमूमन रखना नहीं चाहते थे। तो ये जगह बनी हुई थी काफिला सराय। यहाँ पर एक तरफ ऊँट बांधे जाते थे और एक तरफ लोगों के रहने के लिए छोटी छोटी जगहें थी जिनको लांधी कहा जाता था। लेकिन अब चूँकि सिंध पेशीन रेलवे सर्विस शुरू हो गई थी पेशीन तक, तो अब जो काफ़िले ऊँटों के थे वो आना कम हो गए थे, बहुत कम हो गए थे, यानी आप समझें कि कोई 5% रह गए थे। और 95% जो काफ़िले थे उनकी जगह अब रेल ने ट्रांसपोर्टेशन ले ली थी, तो रेल को ये काफिला सराय की ज़रूरत नहीं थी। तो उसमें हसन अली आफंदी ने उनसे कहा कि ये जगह आप हमें दे दें ताकि हम अपने जो बाहर से आने वाले तुलबा हैं उनको इन लांढियों में रहा सकें जब तक कि हमारा कोई और बंदोबस्त नहीं होता। उसकी काफ़ी कराची म्यूनसिपलिटी का जो बोर्ड था उसमें बड़ी मुखालफतें भी हुई, लेकिन फाइनली 3 कम्युनिटीज़ ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया। हिंदूज़ जो मेंबर्स थे उन्होंने उसको मुकम्मल तौर पर अपोज़ किया, पारसियों ने सपोर्ट किया, अंग्रेज़ों ने जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने सपोर्ट किया और मुसलमानों ने सपोर्ट किया। तो इस तरह से 75 रुपया माहाना के रेंट पर ये जगह जो 8.5 एकड़ पर मुश्तमिल थी ये दे दी गई बोर्डिंग हाउस बनाने के लिए, सिंध मदरसा का बोर्डिंग हाउस।